हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो गाइस, हम भी मस्त हैं। ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही हो रही है। तो गाइस ये देखो, कल अलर्ट बताया था, परसों अलर्ट बताया था, स्कूल की छुट्टी थी, बिल्कुल बारिश नहीं थी, लेकिन आज बारिश हो गई है। तो गाइस मैं जा रही हूँ, आज हमारी मीटिंग है अमोड़ी में, तो वहाँ पर जा रही हूँ। और उसके बाद चंपावत भी जाना है, देखते हैं मौसम क्या होता है, नहीं तो गाड़ी से चले जाएंगे। हमारी अपाची यूएससी की यूएससी पता नहीं क्या हो गया है, कितनी बार सही करवा दी फिर भी सही नहीं हो रही है। लगता है इसको टीवीएस शोरूम में ही डालना पड़ेगा। तो गाइस चलते हैं हम, अभी तो बाइक से ही जा रहे हैं, फिर देखते हैं कैसे जाते हैं वहाँ से। लिख देखेंगे इसको, चाचू के पास जाना ठीक है, तेरे लेके लाऊंगी चीज जी। इधर दिखा अपना मुंह, दिखा भालू। हाँ। भालू भालू कह दे। मैंने अभी बाल बनाए थे, कैसे बना दिए इसने, अभी मैंने मेकअप किया था तेरा ना। बाय बाय बाबी बाय। ये देखो चुस्याम उठा रखे हैं मम्मी ने यहाँ पर इतने सारे, तो इसी में से थोड़े बहुत मैं भी ले जा रही हूँ। ये गाड़ी में कोई ज्यादा लोग अगर उसमें जाएंगे तो खा लेंगे। तो जल्दी हूँ गाइस, वहाँ जाने के बाद आपको भी बताऊंगी किस उपलक्ष्य में है करके मीटिंग, आगे मीटिंग अटेंड कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे हम आपको। हस्बैंड जी आ रहे हैं साथ में, बाकी क्या डिब्बी का ले तो जा ही रहे, नीचे तो न्यूट्रल ही है जाएगी। तो उसको ले जा रहे हैं बाजार हस्बैंड जी। अब मैं चलती हूँ यहाँ से सूखी ढांग तक पैदल, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। गाड़ी भी ऐन मौके में धोखा देती है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ विजयनगर यानी सूखी ढांग तक पैदल पैदल, वहाँ पर घुमांदा लोग हैं, तो अब क्या ही बुलाएं इधर इतना, तो मैं पैदल ही चल जाऊँगी। तो फटाफट चलती हूँ। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं, हमारे हैं ये दादा, शीशे में दिख रहे होंगे आपको दादा, इधर देखो स्टैंड ले खरीदे हैं। और ये हैं हमारे, कौन है हमारे, पवन दा VDC। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम अमोड़ी में, स्कूल के बच्चे भी आ गए। बारिश हो रही थी तो फोन मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई, और तो अभी मैं जा रही हूँ खाना, आपको थोड़ा बहुत भी दिखाऊंगी, क्योंकि कंटिन्यू करने के लिए, ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए बनानी पड़ी है वीडियो। तो गाइस अब दिखाती हूँ मैं आपको नीचे अपने खाना और पाली हाउस सब, थोड़ा मेरे को काम था पाली हाउस में, तो देखती हूँ। ये देखो आजकल पूरा हरा भरा हो रहा है यहाँ, पाली हाउस के अंदर है या नहीं है। तो गाइस ये देखो, एक साइड तो हमने लकड़ी रख दी आजकल, क्योंकि थोड़ा हमारा घर में काम चल रहा था, बाकी यहाँ पर लगा रखे हैं बैगन, और ये है माल्टे के पेड़। ये देखो इस साइड लगा रखे है, इस साइड सामान भरा है, और ये बैगन लगे हुए हैं इसमें, बाकी यहाँ पर आम रखे हैं। वाओ कितना मस्त आम हो रहा है, अभी पके नहीं है ये। हाँ ये वाला थोड़ा थोड़ा, तो गाइस इस टाइप से हाथ लगा के देखना पड़ रहा है पके हैं नहीं है। एक लग रहा है हल्का हल्का, इसको ले आते हैं। और ये देखो फूल। तो गाइस यहाँ पर है ये क्योला, इसकी सब्जी भी बनाते हैं ये, मस्त इसमें फूल भी आ रखा है। और वो है हमारा अनार का पेड़, ये भी है अनार, इसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन सड़ जाते हैं। तो छाना में मम्मी पापा हैं, कहाँ सांस खींचा मम्मी, हाँ घास की त्याग ठीक है तो लगा दिया। आज तो आजकल तो पानी की कमी नहीं है। ये देखो आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो पूरा डोल भरा हुआ है छाने में, बाकी एक डोल में तो इसमें भूसा वूसा खिलाते हैं। और ये देखो ये चौसा आम इतना टेस्टी हो रहा है ना, कुछ कहना ही नहीं हुआ, मतलब चौसा तो नहीं है, इसका नाम पता नहीं, दशहरी है कि पता नहीं क्या है,
मस्त वाला हो रहा है। ये देखो चारा काटने वाली मशीन को इस टाइप से ढक दिया है क्योंकि अगर बारिश पड़ेगी तो इसमें जंग लग जाती है, ये बारिश ना पड़े करके। तो गाइज ये हैं केले के पौधे, लेकिन जितने सुंदर ये दिखने में हैं उतने सुंदर इसमें आते नहीं हैं। ये केले की चाक बोलते हैं इसको, तो ये खाली वाले आते हैं, ये छोटे छोटे वाले बेकार वाले केले हैं ये। तो गाइज मम्मी और पापा डाल रहे हैं आम को पकने के लिए छपरी में। देखो ये आम है और उसमें डाल रहे हैं, दो तीन दिन में पक जाएंगे ये। तो गाइस गौशाले का काम तो मम्मी लोग ने कर दिया है, मैं तो खाली आई यहीं पर वीडियो बनाने, बाकी काम घर का था, बाकी मेरे पास और काम था तो वो काम किया मैंने, बाकी मम्मी पापा ने सारा काम निपटा दिया है। चलते हैं ऊपर को, इसमें पार डालना कहते हैं, आम भी पार डाल दिए यानी सेब खेत।